आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वेद माता गायत्री के बारे में, तीन नाम, तीन रूप और तीन ध्यान। गायत्री यद्यपि एक वेद का छंद है, लेकिन इनकी एक देवी के रूप में मान्यता है। वेद माता गायत्री मंत्र के केवल 24 अक्षर हैं, पर थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। देवी गायत्री को सनातन संस्कृति के धर्म शास्त्रों में बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रोक्त मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी गायत्री को चारों वेदों की जन्मदात्री माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां की जन्मदात्री देवी गायत्री है। गायत्री का ज्ञान इतना संपूर्ण और उत्तम है कि यदि इसे मनुष्य भली प्रकार से समझ ले और अपने जीवन में अपना ले तो लोक परलोक हर प्रकार से शांतिमय बन सकते हैं। यति तत्वमन्या गायत्री तिथि, जिससे तत्व जाना जाए, जिस विवेक बुद्धि से असलियत को जाना जा सके, वही गायत्री है। तो गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो सत्वगुणी दैवी तत्वों से परिपूर्ण होती है और जिसकी प्रेरणा से मनुष्य का मस्तिष्क और शरीर ऐसे मार्ग पर होता है जिस पर चलते चलते पग पग पर कल्याण के दर्शन होते, आनंद का संचार होता है। ईश्वरीय शक्तियां जब भिन्न भिन्न स्थितियों में होती है तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है, तो गायत्री को तीन नामों से पुकारा जाता है, आरंभ, तरुणाई और परिपक्वता। इन तीन भेदों के कारण एक ही गायत्री शक्ति के नाम के तीन नाम रखे गए हैं, आरंभिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था में सावित्री और अंत अवस्था में सरस्वती। तो सूर्य की आभा प्रातःकाल अरुण, मध्याह्न में शुभ्र और संध्या में धुंधली हो जाती है, उसी प्रकार गायत्री की आभा अरुण, सावित्री की श्वेत और सरस्वती की कृष्ण वर्ण धुंधली है। तो प्रातःकाल में ब्रह्म रूपा गायत्री, मध्याह्न काल में विष्णु रूपा गायत्री और सायंकाल में शिव रूपा गायत्री। तो हम प्रातःकाल ब्रह्म रूपा गायत्री की बात करते हैं, जिन्हें आप समझ लीजिए ध्यान और स्वरूप। प्रातःकाल में गायत्री ऋग वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराजती है। वे ब्रह्मा जी की शक्ति है और ज्ञान रूपिणी है। वे लाल रंग की है और उनके वस्त्र भी लाल रंग के हैं। इनके चारों मुख और तीन नेत्र हैं और इन्हें अपने हाथों में रुद्राक्ष माला, कमंडलू, पाश और अंकुश क्रीड़ा कर रही है। ब्रह्म की देव शक्ति होने के कारण ये ब्रह्म दैवत्या कहलाती है। ऐसी माता गायत्री हमारे ध्यान का विषय होकर हमारी दैवी संपत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। अभी प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, तो उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्राह्मी भी कहते हैं। अब हम आते हैं मध्याह्न काल में विष्णु रूपा गायत्री, ध्यान और स्वरूप। सूर्यमंडल स्थित युवावस्था वाली पीले वस्त्र, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण कर गरुड़ पर बैठी हुई यजुर्वेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान करें। सविता सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण मध्याह्न गायत्री का नाम सावित्री है। वे युवती अर्थात विकसित, पुष्ट और सुदृढ़ है। परिपुष्ट होकर अपनी पूर्णावस्था के तेज से झिलमिलाते हुए गायत्री श्वेत वर्ण और पीले वस्त्र धारण करती है और विष्णु के दिव्य शक्ति होने के कारण वे विष्णु देवत्या कहलाती है। मध्याह्न गायत्री का श्वेत वर्ण दर्शाता है कि वे प्रकाशवती और आलोकमय है। मध्याह्न गायत्री के हाथ में चार पदार्थ हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज, गदा अर्थात विनाश और पद्म अर्थात वैभव, इन चारों पर इनका आधिपत्य है। अब
संध्या काल में शिव रूपा गायत्री, सूर्यमंडल में स्थित पृथा रूपा त्रिशूल डमरू पास और पात्र लिए वृषभ पर बैठी हुई सामवेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान कीजिए। संध्या काल की गायत्री सरस्वती के नाम से जानी जाती है। सरस्वती अर्थात सरसता वाली, संगीत कला कवित्व और अन्य रसों की निर्झरिणी। सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती हैं अर्थात अंतःकरण में विवेक जागृत करती है। वृद्धा का अर्थ है परिपक्व, विकास की चरम सीमा तक पहुंची हुई। संध्या काल गायत्री में ब्रह्म और प्रकृति का मिश्रण होने से वह कृष्ण वर्ण और कृष्ण वस्त्र वाली है। वे वृषभ पर आरूढ़ है और वृषभ धर्म का प्रतीक है, अतः सावित्री धर्म पर आरूढ़ है। त्रिशूल कहते हैं कि तीन दुख, अज्ञान, अभाव और आसक्ति, ये तीनों सायंकालीन गायत्री की मुट्ठी में है अर्थात उन पर उनका नियंत्रण है। डमरू ध्वनि अर्थात वाणी का प्रतीक है। सामवेद अर्थात गायन, ये साधक की वाणी और कवित्व की शक्ति को प्रभावित करती है और ये रुद्रदेव की शक्ति है, इसलिए उग्र देव शक्तियों वाली है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।